वेलकम टू आर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मैंने आपको टीचर वैकेंसी के बारे में बताया, आज की लेटेस्ट वैकेंसीज थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो अपने अब जो 10th गवर्नमेंट जॉब चल रही है, अभी 10th पास की जो अभी तक वैकेंसीज आई हुई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कम से कम भी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पास वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई, इसमें 8th पास और 12th पास वालों के लिए भी इंक्लूडेड हैं। तो सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, जितनी वैकेंसीज के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें और आराम से उसके सब जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो अपना है RRB लेवल फर्स्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, 1,35,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज हैं, जिसमें RRB NTPC की जो वैकेंसीज हैं 35,277 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए मैंने पूरी डिटेल आगे मैं आपको बात करूंगी। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो RRB NTPC की जो वैकेंसीज हैं 35,277 है, इसमें कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर यानी TC की पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जूनियर टाइप कीपर की है, ट्रेनर क्लर्क की है, इसकी लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। नेक्स्ट वैकेंसी CHSL का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी आपकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल। CHSL का एप्लीकेशन फॉर्म SSC का आ चुका है, डेटा एंट्री ऑपरेटर लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट, जिसका SSC एग्जाम करवाता है CHSL का, जो 12th वाला लेवल का एग्जाम है, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जैसे 1,35,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसके एप्लीकेशन पूरी डिटेल में बात करेंगे अपन। NTPC का मैंने बता दिया है, और भी है इसके लिए आपके ग्रुप डी की वैकेंसीज है। इसमें एक है आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की 1,665 वैकेंसीज है, RRB ने जो निकाली है 1,35,000 के आसपास वैकेंसीज वाले में से 1,665 आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लो असिस्टेंट, लो लेब असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, हेड कुक और कुक, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल है। इन सबके एप्लीकेशन फॉर्म RRB के सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। एक बार फिर से, एक है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का जो वैकेंसीज हैं, 293 इसमें पोस्ट है, वेरियस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, इसकी सबकी वैकेंसीज है, जिसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए थे। आपके नेक्स्ट वैकेंसीज है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की, 116 पोस्ट है, जिसमें फायरमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, कुक, बूट मेकर एक्सेट्रा, इतनी सारी वैकेंसीज है, जिसकी आपके लास्ट डेट है 19 अप्रैल, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। नेहरू युवा केंद्र संस्थान यानी NYKS में इसकी 52 पोस्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है, 10th-12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 8th पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। इसकी जो नेहरू युवा केंद्र संस्थान है NYKS, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट अप्रैल में। AOC रिकॉर्ड्स की जो वैकेंसीज हैं इसमें 31 वैकेंसीज है, AFY ग्रेड सेकंड की 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 31 पोस्ट है, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। AIMS जोधपुर की 57 पोस्ट है, जिसमें आपकी पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, मार्च 2019, मतलब इसके आपको AIMS जोधपुर पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वालों के लिए, 10th 12th और 8th वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 40 पोस्ट है, ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी 22 मार्च लास्ट डेट है, 40 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस को जज सिरसा, इसके लिए 14 पोस्ट है, जो आपकी सिरसा में जो वैकेंसीज निकली है प्रोसेस सर्वर की और पियोन की वैकेंसीज है, जिसके लिए 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। शिवाजी कॉलेज दिल्ली में आपकी 11 पोस्ट निकली है, MTS और जूनियर असिस्टेंट की यानी नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए आप 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है। भारती कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है भारती कॉलेज, उसमें आपकी 10 पोस्ट है, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, MTS, इसकी डिटेल आप जाके देख सकते हैं भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR में हैदराबाद में जो वैकेंसीज निकली है, 7 पोस्ट हैं जिसकी 16 मार्च लास्ट डेट है। टेक्नीशियन और फील्ड फार्म LDC पोस्ट है जिसके लिए आपके 10th 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। 7 पोस्ट है इसमें। CCRS चेन्नई की 5 पोस्ट है। ड्राइवर लेबर अटेंडेंट थेरेपिस्ट 23 अप्रैल को इसके लास्ट डेट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट रीजन, ये जो आपको ईस्ट चेन्नई में जो वैकेंसीज निकली है कोस्ट गार्ड रीजन की रीजन में, तो वो सिविलियन और मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की निकली है जिसमें 5 पोस्ट है। 26 मार्च की लास्ट डेट है। ईस्ट चेन्नई जो कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट चेन्नई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल जो है उसमें वैकेंसी निकली है, सुपरवाइजर की 4 पोस्ट है जिसके लिए 10th 12th पास वाले 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कैंटोनमेंट बोर्ड कैंप्टी जो आपकी है डिपार्टमेंट, ड्रेसर चौकीदार सफाई कर्मचारी PWD कूली, इन सबकी 4 पोस्ट निकली है। 8th पास वाले कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कंटेनमेंट बोर्ड में एक और जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट भी निकली है जिसके लिए आपकी 18 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। ये डीओली में निकली है और सेंट्रल क्वालिफाइड लिमिटेड CCL में वैकेंसी निकली है। 3 पोस्ट है जूनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर की। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मेल मोटर सर्विस भोपाल में, ये ड्राइवर की 3 पोस्ट है जिसके लिए आप 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी लेटेस्ट आपकी 10th 12th और 8th पास के लिए जो भी वैकेंसीज आई हुई है, मोस्टली ये 8th और 10th पास के लिए है। 12th पास का आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप आवेदन कर दीजिए जल्द से जल्द। और नेक्स्ट मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ आपको किस किस डिपार्टमेंट में आपको जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आपकी जो वैकेंसीज है पहली अपन बात करेंगे इसकी RRB में जो वैकेंसीज निकली है, ठीक है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है पहली अपन बात करेंगे CHSL की बात करेंगे। SSC में जो वैकेंसी निकली है 12th पास वालों के लिए, ये 12th पास वालों के लिए वैकेंसी निकली, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 5 मार्च से अवेलेबल है। 5 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसका 5 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन 7 अप्रैल तक 5 बजे तक है और ऑफलाइन चालान जनरेट करने की 7 अप्रैल है। आगे है आपका लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो ये आपकी 9 अप्रैल तक आप चालान सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा Tier 1 एग्जाम आपका होगा 1 जुलाई से 26 जुलाई को। Tier 2 एग्जाम होगा आपका 29 सितंबर को, ठीक है। अब आपकी वैकेंसी आगे की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है मैं बता देती हूँ। इसमें वैकेंसी जो निकली है वो है आपकी, एक तो आपकी वैकेंसी निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क की और एक है पोस्टल असिस्टेंट की। इसमें जो आपके LDC की जो पोस्ट है इसके लिए आपका जो सैलरी रहने वाली 20,200 के आसपास रहने वाली है। सेम पर्सनल असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट की भी इतनी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी इतनी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए अलग से इसका, ठीक है। तो ये आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी पे स्केल। अब इसमें जो 12th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी वैकेंसीज की डिटेल आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी SSC.NIC.IN पे, ठीक है। फिजिकल हैंडीकेप के अलग से इसमें जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया है वैकेंसीज में। आगे आपका जो है 28 से 27 साल के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2019 को कंसीडर होगी। आपकी मिनिमम एज 1 अगस्त 2019 को 18 साल होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। ST/ST को 5 ईयर्स का एज रिलेशन, OBC को आपको 3 ईयर्स का एज रिलेशन, PWD को 10 ईयर्स का एज रिलेशन है। PWD को जो मतलब कि अब जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है अगर वो कैटेगरी मतलब इनका रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके उसके अकॉर्डिंग प्लस होके आपका सारा जो मिल जाएगा इसका रिलैक्सेशन, ठीक है। डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, इसके लिए आवेदन करने की सारी डिटेल आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा SSC.NIC.IN पे जहाँ आपके आप आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं, 1,30,000 प्लस के वैकेंसीज हैं। इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं इन सब की डिटेल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। RRB की जो रीजन वाइज वेबसाइट है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं बता देती हूँ आपको इसकी लास्ट डेट। NTPC की जो आपके डेट्स हैं वो है आपकी ओपनिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च से आपका इसका अवेलेबल हो गया है। आपकी पैरामेडिकल की 4 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री इन आइसोलेटेड वैकेंसी जो मैंने आपको बताई थी उसके 8 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन जो आपके लेवल फर्स्ट जो ग्रेड ग्रुप डी की वैकेंसी उसके 12 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसके लिए जाके आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है।
सबके लिए वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट्स जो भी है, 10th पास 12th पास, इन सबके लिए वैकेंसीज है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनटीपीसी की डिटेल में, अपन बात कर लेते हैं एक बार। ये है अपना ग्रुप डी की जो 1,00,000 वैकेंसीज आई है, उसके लिए आपकी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में आपको बता देती हूँ पूरा डिटेल में। तो इसकी डेट अगर आप बात करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 मार्च से शुरू हो चुका है, ठीक है। अभी 10th पास और के लिए है और ITI वालों के लिए भी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। रेलवे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आप लोगों को मिल रही है, अगर आपने पहले जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें आप नहीं अपेयर मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपको सेकेंड चांस और मिल रहा है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। एग्जाम आपके सितंबर अक्टूबर में होंगे, तब तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फीस की आप नेट बैंकिंग से 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, 18 अप्रैल जो है आपकी चालान फीस की जो लास्ट डेट है, और फाइनल सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका दिया गया है 26 अप्रैल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी किस तरह से आपकी वैकेंसीज हैं, तो हर कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं मतलब कि कैटेगरी वाइज हर रीजन की अलग अलग 16 रीजन्स की वैकेंसीज निकाली गई है, हर रीजन में अलग अलग वैकेंसीज है जिसके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें अनरिजर्व की 42,335 पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 42,335 पोस्ट है, ओबीसी 15,560 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन दिया गया है सारा, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 10th ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल आपको क्लासिफिकेशन जो वैकेंसी का है वो मिल जाएगा। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है और रनिंग वगैरह फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है, सारी डिटेल्स जो है आपको इंडियन रेलवे की जो आपके रीजन वाइज वैकेंसी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी अपनी टोटल जो भी वैकेंसीज के बारे में आपको बता दी थी, 8th 10th पास वालों के लिए जो भी वैकेंसीज निकली हैं सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह की अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपकी जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मैंने आपको टीचर वैकेंसी के बारे में बताया, आज की लेटेस्ट वैकेंसीज थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो अपने अब जो 10th गवर्नमेंट जॉब चल रही है, अभी 10th पास की जो अभी तक वैकेंसीज आई हुई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कम से कम भी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पास वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई, इसमें 8th पास और 12th पास वालों के लिए भी इंक्लूडेड हैं। तो सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, जितनी वैकेंसीज के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें और आराम से उसके सब जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो अपना है RRB लेवल फर्स्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, 1,35,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज हैं, जिसमें RRB NTPC की जो वैकेंसीज हैं 35,277 वैकेंसीज है, जिसके लिए मैंने पूरी डिटेल आगे मैं आपको बात करूंगी। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो RRB NTPC की जो वैकेंसीज हैं 35,277 है, इसमें कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर यानी TC की पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जूनियर टाई कीपर की है, ट्रेनर क्लर्क की है, इसकी लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। नेक्स्ट वैकेंसी CHSL का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी आपकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल। CHSL का एप्लीकेशन फॉर्म SSC का आ चुका है, डेटा एंट्री ऑपरेटर लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट, जिसका SSC एग्जाम करवाता है CHSL का, जो 12th वाला लेवल का एग्जाम है, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जैसे 1,35,000 के आसपास वैकेंसीज हैं जिसके एप्लीकेशन पूरी डिटेल में बात करेंगे अपन। NTPC का मैंने बता दिया है और भी है, इसके लिए आपके ग्रुप डी की वैकेंसीज है। इसमें एक है आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की 1,665 वैकेंसीज है, RRB ने जो निकाली है 1,35,000 के आसपास वैकेंसीज वाले में से 1,665 आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लो असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, हेड कुक और कुक, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल है। इन सबके एप्लीकेशन फॉर्म RRB के सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। एक बार फिर से, एक है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का जो वैकेंसीज हैं, 293 इसमें पोस्ट है, वेरियस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टाफ, कार ड्राइवर,
सिक्योरिटी गार्ड, इसकी सबकी वैकेंसीज है जिसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए थे। आपके नेक्स्ट वैकेंसीज है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की, 116 पोस्ट है जिसमें फायरमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, कुक, बूट मेकर एटसेट्रा, इतनी सारी वैकेंसीज है जिसकी आपके लास्ट डेट है 19 अप्रैल, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। नेहरू युवा केंद्र संस्थान यानी NYKS में इसकी 52 पोस्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है, 10th 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 8th पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। इसकी जो नेहरू युवा केंद्र संस्थान है NYKS, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट अप्रैल में। AOC रिकॉर्ड्स की जो वैकेंसीज हैं इसमें 31 वैकेंसीज है, AFY ग्रेड सेकंड की, 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 31 पोस्ट है, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। AIMS जोधपुर की 57 पोस्ट है, जिसमें आपकी पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, मार्च 2019, मतलब इसके आपको AIMS जोधपुर पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वालों के लिए, 10th 12th और 8th वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 40 पोस्ट है, ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी 22 मार्च लास्ट डेट है, 40 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस को जज सिरसा, इसके लिए 14 पोस्ट है। जो आपकी सिरसा में जो वैकेंसीज निकली है प्रोसेस सर्वर की और पियोन की वैकेंसीज है, जिसके लिए 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। शिवाजी कॉलेज दिल्ली में आपकी 11 पोस्ट निकली है, MTS और जूनियर असिस्टेंट की यानी नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए आप 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है। भारती कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है भारती कॉलेज, उसमें आपकी 10 पोस्ट है, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, MTS, इसकी डिटेल आप जाके देख सकते हैं भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्स रिसर्च यानी IIMR में हैदराबाद में जो वैकेंसीज निकली है 7 पोस्ट है, जिसकी 16 मार्च लास्ट डेट है, टेक्नीशियन और फील्ड फार्म LDC पोस्ट है, जिसके लिए आपके 10th 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 7 पोस्ट है इसमें। CCRS चेन्नई की 5 पोस्ट है, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, थेरेपिस्ट, 23 अप्रैल को इसके लास्ट डेट है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट रीजन, ये जो आप इस चेन्नई में जो वैकेंसीज निकली है कोस्ट गार्ड रीजन में, तो वो सिविलियन और मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की निकली है, जिसमें 5 पोस्ट है, 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ईस्ट चेन्नई जो कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट चेन्नई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल जो है उसमें वैकेंसी निकली है सुपरवाइजर की, 4 पोस्ट है, जिसके लिए 10th 12th पास वाले, 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कैंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी जो आपकी है डिपार्टमेंट, ड्रेसर, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, PWD, कूली, इन सबकी 4 पोस्ट निकली है, 8th पास वाले कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कंटेनमेंट बोर्ड में एक और जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट भी निकली है, जिसके लिए आपकी 18 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है, ये DOLE में निकली है। और सेंट्रल कोल फायर लिमिटेड CCL में वैकेंसी निकली है, 3 पोस्ट है, जूनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर की, 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मेल मोटर सर्विस भोपाल में, ये ड्राइवर की 3 पोस्ट है, जिसके लिए आप 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी लेटेस्ट आपकी 10th 12th और 8th पास के लिए जो भी वैकेंसीज आई हुई है, मोस्टली ये 8th और 10th पास के लिए है, 12th पास का आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप आवेदन कर दीजिए जल्द से जल्द। और नेक्स्ट मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ आपको, किस किस डिपार्टमेंट में आपको जो वैकेंसीज निकाल गई हैं। इसमें आपकी जो वैकेंसीज है, पहली अपन बात करेंगे इसकी RRB में जो वैकेंसीज निकली है, ठीक है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है, पहली अपन बात करेंगे CHSL की बात करेंगे, SSC में जो वैकेंसी निकली है 12th पास वालों के लिए, ये 12th पास वालों के लिए वैकेंसी निकली, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 5 मार्च से अवेलेबल है, 5 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसका 5 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन 7 अप्रैल तक 5 बजे तक है, और ऑफलाइन चालान जनरेट करने की 7 अप्रैल है। आगे है आपका लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो ये आपकी 9 अप्रैल तक आप चालान सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा Tier 1 एग्जाम आपका होगा 1 जुलाई से 26 जुलाई को, Tier 2 एग्जाम होगा आपका 29 सितंबर को, ठीक है।
अब आपकी वैकेंसी आगे की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है मैं बता देती हूँ। इसमें वैकेंसी जो निकली है वो है आपकी, एक तो आपकी वैकेंसी निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क की और एक है पोस्टल असिस्टेंट की। इसमें जो आपके LDC की जो पोस्ट है इसके लिए आपका जो सैलरी रहने वाली 20,200 के आसपास रहने वाली है। सेम पर्सनल असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट की भी इतनी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी इतनी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए अलग से इसका, ठीक है। तो ये आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी पे स्केल। अब इसमें जो 12th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी वैकेंसीज की डिटेल आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी ssc.nisu.in पे, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप के अलग से इसमें जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया है वैकेंसीज में। आगे आपका जो है 28 से 27 साल के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2019 को कंसिडर होगी। आपकी मिनिमम एज 1 अगस्त 2019 को 18 साल होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। ST SC को 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन, OBC को आपको 3 ईयर्स का एज रिलेक्शन है, PWD को 10 ईयर्स का एज रिलेक्शन है। PWD को जो मतलब कि अब जो फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं अगर वो कैटेगरी मतलब कि इनका रिजर्व कैटेगरी में आते तो उनके उसके अकॉर्डिंग प्लस होके आपका सारा जो मिल जाएगा इसका रिलेक्सेशन, ठीक है। डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, इसके लिए आवेदन करने की सारी डिटेल आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ssc.nic.in पे, जहां के आप आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं, 1,30,000 प्लस के वैकेंसीज हैं। इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं इन सब की डिटेल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। RRB की जो रीजन वाइज वेबसाइट है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं बता देती हूँ आपको इसकी लास्ट डेट, NTPC की जो आपके डेट्स हैं वो है आपकी ओपनिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से आपका इसका अवेलेबल हो गया है। आपके पैरामेडिकल की 4 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड वैकेंसी जो मैंने आपको बताई थी उसके 8 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन जो आपके लेवल फर्स्ट जो ग्रेड ग्रुप डी की वैकेंसी उसके 12 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसके लिए जाके आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। सबके लिए वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट्स जो भी है 10th पास 12th पास इन सबके लिए वैकेंसीज है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं NTPC की डिटेल में, अपन बात कर लेते हैं एक बार। ये है अपना ग्रुप डी की जो 1,00,000 वैकेंसीज आई है उसके लिए आपकी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में आपको बता देती हूँ पूरा डिटेल में। तो इसकी डेट अगर आप बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 मार्च से शुरू हो चुका है, ठीक है। अभी 10th पास और के लिए है और ITI वालों के लिए भी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। रेलवे में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आप लोगों को मिल रही है। अगर आपने पहले जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें आप नई अपेयर मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाए तो ये सेकेंड ऑप्शन आपको सेकेंड चांस और मिल रहा है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। एग्जाम आपके सितंबर अक्टूबर में होंगे, तब तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। 12 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फीस की आप नेट बैंकिंग से 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 18 अप्रैल जो है आपकी चालान फीस की जो लास्ट डेट है, और फाइनल सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका दिया गया है 26 अप्रैल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी किस तरह से आपकी वैकेंसीज हैं। तो हर कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसीज हैं मतलब कि कैटेगरी वाइज हर रीजन की अलग अलग 16 रीजन की वैकेंसीज निकाली गई है। हर रीजन में अलग अलग वैकेंसीज है जिसके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें अनरिजर्व की 42,335 पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 42,335 पोस्ट है। OBC 15,560 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन दिया गया है सारा, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 10th ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल आपको क्लासिफिकेशन जो वैकेंसी का है वो मिल जाएगा। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है और रनिंग वगैरह फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। सारी डिटेल्स जो है आपको इंडियन रेलवे की जो आपके रीजन वाइज वैकेंसी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी अपनी टोटल जो भी वैकेंसीज के बारे में आपको बता दी थी, 8th 10th पास वालों के लिए जो भी वैकेंसीज निकली हैं सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह की अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुचैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपकी जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मैंने आपको टीचर वैकेंसी के बारे में बताया, आज की लेटेस्ट वैकेंसीज थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज जो अपने अब जो 10th गवर्नमेंट जॉब चल रही है, अभी 10th पास की जो अभी तक वैकेंसीज आई हुई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कम से कम भी 1.5 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पास वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई, इसमें 8th पास और 12th पास वालों के लिए भी इंक्लूडेड हैं,
तो सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, जितनी वैकेंसीज के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या है, कौन सी पोस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें और आराम से उसके सब जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो अपना है आरआरबी लेवल फर्स्ट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, 1,35,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं 35,277 वैकेंसीज है, जिसके लिए मैंने पूरी डिटेल आगे मैं आपको बात करूंगी। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई, फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं 35,277 है, इसमें कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर यानी टीसी की पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जूनियर टाइप कीपर की है, ट्रेनर क्लर्क की है, इसकी लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है। नेक्स्ट वैकेंसी सीएचएसएल का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी आपकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल। सीएचएसएल का एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी का आ चुका है, डेटा एंट्री ऑपरेटर लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट, जिसका एसएससी एग्जाम करवाता है सीएचएसएल का, जो 12th वाला लेवल का एग्जाम है, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जैसे 1,35,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसके एप्लीकेशन पूरी डिटेल में बात करेंगे अपन। एनटीपीसी का मैंने बता दिया है, और भी है इसके लिए आपके ग्रुप डी की वैकेंसीज है। इसमें एक है आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की 1,635 वैकेंसीज है, आरआरबी ने जो निकाली है 1,35,035,000 के आसपास वैकेंसीज वाले में से 1,665 आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लो असिस्टेंट, लेब असिस्टेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, हेड कुक और कुक, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल है। इन सबके एप्लीकेशन फॉर्म, आरआरबी के सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक बार फिर से, एक है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का जो वैकेंसीज हैं 293 इसमें पोस्ट है, वेरियस असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, इसकी सबकी वैकेंसीज है, जिसकी आपके एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए थे। आपके नेक्स्ट वैकेंसीज है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की, 116 पोस्ट है, जिसमें फायरमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर्स, कुक, बूट मेकर एक्सेट्रा, इतनी सारी वैकेंसीज है, जिसकी आपके लास्ट डेट है 19 अप्रैल, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। नेहरू युवा केंद्र संस्थान यानी एनवाईकेएस में इसकी 52 पोस्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए है, 10th 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 8th पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं इसमें। इसकी जो नेहरू युवा केंद्र संस्थान है एनवाईकेएस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट अप्रैल में। एओसी रिकॉर्ड्स की जो वैकेंसीज हैं इसमें 31 वैकेंसीज है, एएफवाई ग्रेड सेकंड की 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 31 पोस्ट है, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। एआईएमएस जोधपुर की 57 पोस्ट है, जिसमें आपकी पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, मार्च 2019, मतलब इसके आपको एआईएमएस जोधपुर पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10th पास वालों के लिए, 10th 12th और 8th वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 40 पोस्ट है, ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी 22 मार्च लास्ट डेट है, 40 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस को जज सिरसा, इसके लिए 14 पोस्ट है, इस जो आपकी सिरसा में जो वैकेंसीज निकली है प्रोसेस सर्वर की और पियोन की वैकेंसीज है, जिसके लिए 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। शिवाजी कॉलेज दिल्ली में आपकी 11 पोस्ट निकली है, एमटीएस और जूनियर असिस्टेंट की यानी नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए आप 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है। भारती कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है भारती कॉलेज, उसमें आपकी 10 पोस्ट है, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एमटीएस, इसकी डिटेल आप जाके देख सकते हैं भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च यानी IIMR में हैदराबाद में जो वैकेंसीज निकली है 7 पोस्ट है, जिसकी 16 मार्च लास्ट डेट है, टेक्नीशियन और फील्ड फार्म LDC पोस्ट है, जिसके लिए आपके 10th 12th पास वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, 7 पोस्ट है इसमें। CCRS चेन्नई की 5 पोस्ट है, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, थेरेपिस्ट, 23 अप्रैल को इसके लास्ट डेट है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट रीजन, ये जो आप इस चेन्नई में जो वैकेंसीज निकली है कोस्ट गार्ड रीजन की रीजन में, तो
तो वो सिविलियन और मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की निकली है, जिसमें 5 पोस्ट है, 26 मार्च की लास्ट डेट है। ईस्ट चेन्नई जो कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट चेन्नई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल जो है उसमें वैकेंसी निकली है, सुपरवाइजर की 4 पोस्ट है, जिसके लिए 10th 12th पास वाले 8th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कैंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी जो आपकी है डिपार्टमेंट, ड्रेसर, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, कूली, इन सबकी 4 पोस्ट निकली है, 8th पास वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कंटेनमेंट बोर्ड में एक और जूनियर असिस्टेंट की 3 पोस्ट भी निकली है, जिसके लिए आपकी 18 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। ये डीओली में निकली है, और सेंट्रल क्वालिफाइड लिमिटेड सीसीएल में वैकेंसी निकली है, 3 पोस्ट है जूनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर की, 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मेल मोटर सर्विस भोपाल में, ये ड्राइवर की 3 पोस्ट है, जिसके लिए आप 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी लेटेस्ट आपकी 10th 12th और 8th पास के लिए जो भी वैकेंसीज आई हुई है, मोस्टली ये 8th टू 10th पास के लिए है, 12th पास का आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप आवेदन कर दीजिए जल्द से जल्द। और नेक्स्ट मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ आपको, किस किस डिपार्टमेंट में आपको जो वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें आपकी जो वैकेंसीज है, पहले अपन बात करेंगे इसकी आरआरबी में जो वैकेंसीज निकली है, ठीक है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है, पहले अपन बात करेंगे सीएचएसएल की बात करेंगे, एसएससी में जो वैकेंसी निकली है 12th पास वालों के लिए, ये 12th पास वालों के लिए वैकेंसी निकली, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 5 मार्च से अवेलेबल है, 5 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म है उसका 5 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन 7 अप्रैल तक 5 बजे तक है, और ऑफलाइन चालान जनरेट करने की 7 अप्रैल है। आगे है आपका लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान